चलो तो अभी हम अपना आज कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे? ही सुंदर पार्ट है। और सबसे बड़ी चीज, आज के समाज में बूढ़े और बुजुर्गों के साथ क्या हो रहा है, यही चीज इस पाठ में बताया गया है। बूढ़ी काकी, पूरक पठन, जिसके रचयिता कौन है? लेखक हैं प्रेमचंद। आइए इनके बारे में हम थोड़ा परिचय देखें। जन्म 1880, लमही उत्तर प्रदेश। इनका जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, लमही गांव में। मृत्यु इनकी 1936 वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुई। परिचय, अप्रतिम कहानीकार, प्रेमचंद्र तो नाम से ही जाने जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। इनका मूल नाम, ये अपने साहित्य में क्या किए थे, अपना नाम इन्होंने बदल दिया था। इनका असली नाम क्या था? धनपत राय था। बाल्यकाल से ही अपने लेखन कार्य का प्रारंभ कर दिया इन्होंने, बचपन से ही लिखना। देखो जैसे हमने कल के पाठ में पढ़ा, किसी किसी को लिखना, सबका अपना अपना एक शौक होता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, हर एक की रुचि और स्वभाव अलग अलग होता है, सबका रुचि अलग अलग दिशाओं में होती है। तो यही चीज है कि उन्होंने भी क्या किया था, उनका बाल्यकाल, बचपन से ही लेखन लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियों, उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, आदमनाव का विस्तृत चित्रण है। कहानियों क्या कहे हैं, जो किसान आजकल भी चल रहा है, किसानों के लिए क्या हो रहा, देख रहे आप अगर समाचार देखोगे पढ़ते होगे तब। तो आप कहानी, इनकी कहानियों में शोध करने वाले जो शोषित किसान, किसानों के ऊपर इन्होंने लिखा है। मजदूर स्त्रियां क्या करे जब की खर्च नहीं चलते तो क्या हो है, मजदूरों स्त्रियों के अगर ठीक है मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी उन्होंने क्या किया है, उनकी समस्याओं के ऊपर चित्रण विस्तृत विस्तार पूर्वक चित्रण किया है। प्रमुख कृतियां, मानसरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानी, कहानी संग्रह। अरे देखो अब मानसरोवर भाग, यस मैम, हेलो, काइंडली म्यूट फॉर अ वाइल। एक मिनट, म्यूट फॉर अ वाइल। चलिए तो हम अब क्या करते हैं, अपने लेसन की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र जी ने सॉरी, हमने क्या पढ़ा था, इनकी प्रमुख कृतियां मानसरोवर भाग 1 से 8 तक। इन्होंने मानसरोवर जो रचना रची है, इसमें इन्होंने क्या किया है, भाग 1 से 8 तक जंगल की कहानियां, कहानी संग्रह, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्म भूमि, कायाकल्प, उपन्यास, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम, नाटक, टॉल्स्टॉय की कहानियां, जैसा हमने कल पढ़ा, आजाद कथा, गाल्स वर्दी की 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया, अनुवाद। यह सब क्या है, यह सब प्रेमचंद्र जी ने रचनाएं रची हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। देखो प्रस्तुत कहानी, आप लोग मोबाइल चलाते हो, आजकल तो बहुत ही स्मार्ट जमाना हो गया है, ऐसे ऐसे मोबाइलों पर, फेसबुक पर बूढ़ों और बुजुर्गों के प्रति देखो कितनी सुंदर सुंदर पंक्तियां लिख लिख कर आती हैं, लेकिन उससे भी लोगों का हृदय द्रवित नहीं होता है, मन पिघलता नहीं है। जिसको जो करना है, वो उसकी स्वभावगत, इंसान का जो स्वभाव होता है वो कभी भी बदलने वाला नहीं होता है, वो स्वभाव में ही लेकर आता है। तो किसी किसी को बूढ़ों और अपने बुजुर्गों के प्रति बड़ा प्रेम होता है, लेकिन कोई कोई क्या करते हैं,
सिर्फ उनके पैसों से, उनकी धन, उनकी संपत्ति, और जब तक वो कार्यरत हैं, जब तक वो कार्य करने लायक हैं, तब तक उनसे प्रेम होता है। और जब वो बूढ़े बुजुर्ग अति बूढ़े हो जाते हैं तब क्या होते हैं, तब वह उनके लिए हमेशा बोझ बन जाते हैं। यही चीज प्रेमचंद जी ने यहाँ बताने की कोशिश की है, समझाने की। बहुत ही सुंदर पाठ है, करुणामय पाठ है, तो सुनोगे समझोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को कि हमें बूढ़ों और बुजुर्गों के प्रति क्या करना चाहिए। लेकिन जो बूढ़े और बुजुर्ग ये करते हैं, जो बेटे हो, बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे जो भी हो, तो वो ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा भी घर में है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर इन चीजों का क्या असर पड़ेगा। समझा? तो यही सब चीज कहानी में प्रस्तुत किया है प्रेमचंद जी ने। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। कहानीकार ने क्या किया है, अपने बुजुर्गों के घर में जो बुजुर्ग होते हैं, सब बोलते हैं ना, बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, जैसा बचपन में बच्चे कार्यकलाप करते हैं वैसे ही बूढ़े भी जब बुढ़ापा शरीर में आ जाता है तो उनका भी मन बच्चों की तरफ परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। भगवान ना करें कभी किसी को कोई ऐसा समय आए कि वह दूसरों के ऊपर आश्रित होना पड़े। यह समाज ऐसा है बेटा कि कोई भी किसी की मदद नहीं करता, हमेशा इंसान को अपनी सार्थकता पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन बुढ़ाई ऐसी होती, बुढ़ापा ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी इंसान को दूसरों के ऊपर क्या करना पड़ता है, आश्रित रहना ही पड़ता है। इसलिए अपने बुजुर्गों के प्रति आदर और सम्मान, जिसने हमें जिंदगी भर पाला उसके प्रति हमें आदर और सम्मान रखना चाहिए। हमें भी उनको बच्चों की तरह उतना ही आदर और सम्मान देना चाहिए, अपमान भरी जिंदगी देनी नहीं चाहिए। लेकिन इस पाठ में यह सब चीज जब आप देखोगे तो आपको समझेगा। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक लड़का रहता है, लड़के दो पति पत्नी रहते हैं, उनको एक बच्चा होता है, बहुत दिनों के बाद लड़का होता है। लड़का क्या करता है, लड़के को पढ़ने, और पिता उनके आईपीएस ऑफिसर रहते आईएएस ऑफिसर रहते हैं, और पत्नी जो रहती है वह हमेशा से समाज सेवा हर कार्य करती है, अच्छा अच्छा कार्य करती है। पति बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा मकान बनवाते हैं, घर बनवाते हैं, लेकिन बुढ़ापा सबका साथ देता नहीं है। अचानक पति की मृत्यु के बाद पत्नी अकेली हो जाती है, बेटे को भेजती है विदेश पढ़ाई करने के लिए। बेटा शादी करता है, शादी करके घर में बहू आती है। सारा बेटा क्या करता है, सारा सामान चीज बेच कर घर भी बेच देता है, और माँ क्या करती है, अपने पति की सारी संपत्ति को लूटते हुए देखती रहती है। और वो क्या करता है, जाकर एयरपोर्ट चलता है, माँ तुम भी चलो हमारे साथ, तुम तो यहाँ यहाँ की संपत्ति, पिताजी क्या, अब पिताजी तो नहीं रहे तो तुम भी हमारे साथ ही चलो, यहाँ की संपत्ति क्या करोगी, ऐसा कह के बहला के फुसला के अपना ही जन्मा हुआ बेटा उनको लेकर जाता है और एयरपोर्ट पे छोड़ देता है। छोड़ के वो चला जाता है, वो बैठी रहती है, बेटे का इंतजार करती रहती है, और बेटा बहू कह के जाते हैं यही इंतजार करो, हम लोग सामान चेक करवा के आएंगे। तो ऐसा सब करते हैं और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। पूछताछ करने पर उस औरत को पता चलता है कि मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा सब हम कहानियों में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, आजकल तो मूवी भी बहुत अच्छी अच्छी आती, पुराने से अच्छे जो आप छोटे छोटे धारावाहिक सीरियल देखते हो उसमें भी बहुत कुछ बताता है। लेकिन अभी भी एक सीरियल आया है शादी मुबारक, देखो उसका एडवर्टाइजमेंट कितना दे रहा है, हाँ उसमें भी देखो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, जिस माँ जिस बाप ने आपको जीवन भर पाला है पोसा है वो चीज तो याद करना चाहिए ना इंसान को, इतनी इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। तो वो चला जाता है विदेश, लेकिन अधिकारी लोग उसको उसकी माँ को पहचानते रहते हैं, वो बोलते हैं कहो तो आपके बेटे को बुला लें, बताएं, उनके ऊपर केस करें, बोलती है नहीं बस मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। उसके पति के द्वारा बनाए हुए, उसको क्या पता था कि आज मैं वृद्धाश्रम वृद्धों के लिए बनवा रही हूँ तो कल मुझे भी मेरा बेटा छोड़ देगा, मुझे इसमें आना पड़ेगा। और वह चली आती है, पूरे आजीवन वो अपने बेटे का फिर से मुंह नहीं देखती। ऐसे बेटे का क्या मुंह देखना जो चोरी से माँ को छोड़कर उसकी ही धन
उसके ही संपत्ति, उसके ही घर बार को बेचकर लेकर पैसा जाकर दूसरे देश में बस जाना, ये कोई इंसानियत हुई? लेकिन होता है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं। किसी किसी को अपने बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान भी होता है, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। लेकिन अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं, आज की व्यस्तता भरी जिंदगी में सभी व्यस्त हैं, लेकिन अपने लिए, अपनों के लिए समय निकालना ही जिंदगी होती है। ये जिंदगी क्या होती है, कब सांस छूट जाए कोई पता नहीं होता। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए यह करना चाहिए कि इंसान को इंसानियत तो अपने अंदर रखनी ही चाहिए। वह मर जाती हैं उसी वृद्धाश्रम में, लेकिन वापस अपने बच्चे का मुंह नहीं देखती। तो ये होता है एक माँ का आत्मसम्मान, जब बच्चे ने ही छोड़ दिया तो फिर कहाँ जाए। लेकिन उनको तो बिताना तो पड़ा अकेले ही, अगर बेटा बहू सब साथ में होते, परिवार साथ में होता तो कितना अच्छा होता। चलिए आइए हम अपने पाठ की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। समझा इतना सबको? बहुधा बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुराना पुनरागमन हुआ करता है। देखो यहाँ भी बताया गया है पाठ में भी, आपकी अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये पाठ तो समझ में आएगा आप लोगों को। बहुत ज्यादा आपको समझाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कहानी है, सबसे बड़ी एक परिवार की कहानी है, जो संयुक्त परिवार तो आजकल विघटित होता चला जा रहा है, संयुक्त परिवार तो नाम का ही रह गया है, जहाँ देखो एकाकी एकाकी परिवार ही रह गए हैं, लेकिन कहीं कहीं संयुक्त परिवार भी देखा जाता है। तो वहां बूढ़े बुजुर्गों की क्या स्थिति होती है, किस घर में, सब चीजें हमें इस पाठ में देखने को मिलेंगी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बहुधा मतलब अक्सर, हमेशा। इस चीज, ये जो शब्द है इसका हम अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो बुढ़ापा क्या होता है, बचपन का ही पुनरागमन। पुनरागमन गमन मतलब वापस फिर से आना। ऐसा होता है कि यह बचपना वापस चला आता है बुढ़ापे में, यही चीज होता है बुढ़ापा। बस शरीर बूढ़ा जर्जर हो जाता है, स्वभाव से इंसान क्या हो जाता है, बच्चा बन जाता है। बूढ़ी काकी ने जिह्वा के स्वाद और के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। कभी कभी ऐसा होता है, बूढ़े बुजुर्ग जब बूढ़े होते हैं तो उनके क्या होता है, एक एक चीज उनकी क्या होती है, स्वभाव में परिवर्तन होने के कारण कोई कोई चीजों का शौक हो जाता। बूढ़ी काकी के अंदर कौन सा शौक था, बूढ़ी काकी के अंदर यह शौक था कि उनको जिह्वा यानी जीभ, स्वाद, उनको चटपटा खाना ही, सिर्फ स्वाद दार खाना खाना ही उनके स्वभाव में शामिल हो गया था। बाकी और उनके अंदर कोई भी लालसा नहीं थी, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था सिवाय अच्छा और चटपटा खाने का। न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने को अतिरिक्त उनको कोई दूसरा सहारा नहीं था। जब उनको कोई तकलीफ होती थी, कोई कष्ट होता था, तो वह क्या करती थी, सिर्फ रो लेती थी और रोना ही उनका सबसे बड़ा सहारा था, क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं था, उनका कोई और भी नहीं था। तो वो रोती थी, रो के अपने मन को हल्का करती थी। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। बुढ़ाई होती है, जब इंसान बुढ़ापा होता है तो इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल हो जाती हैं। शिथिल होना यानी एकदम कमजोर होती चली जाती हैं। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती, तो ये रोने लगती थी। देखो बच्चा कैसा होता है, बच्चा यही कार्य करता है, जब उसको कोई चीज नहीं मिलता तो वह रोने वाला कार्य करता है। सबसे बड़ी बात, रोता है, चिल्लाता है, माँ के सामने क्या करता है, बहुत सारे नाटक करता है कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। तो वही लोग अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग करते हैं तो लोगों को क्या लगता है, अरे ये नाटक कर रहे हैं, इतनी बूढ़ी हो गई है फिर भी इनको शर्म नाम की चीज नहीं है, ऐसे ऐसे कार्य सिर्फ खाने के लिए कर रही है।
लेकिन यह भी तो समझना चाहिए कि जब उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई, वो आने जाने लायक नहीं रह गई, अपने हाथ से लेने लायक नहीं रह गई, तो वो कहेंगी किससे? तो वही करती थी जब कोई सामान उनको, नेत्र आंख सारे शरीर के क्या हो गए थे, इंद्रियां शिथिल हो गई थी, पर जवाब दे चुके थे। और जो काम उनके इच्छा के प्रतिकूल होते थे, उनके इच्छा के विरुद्ध होता था, उसे वह क्या करती थी, बाजार से कोई वस्तु आती, उन्हें ना मिलती खाने के लिए, संपूर्ण आहार उनको पेट भर भोजन नहीं मिलता, तो वह क्या करती थी, रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती। अब देखो यह उनका स्वभाव था, वह धीरे धीरे नहीं रोती थी, वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू करती थी कि मुझे कुछ भी मिला नहीं, क्यों नहीं मिला, मुझे भी चाहिए, जैसे बच्चे रोते हैं। उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। कालांतर होना मतलब एक समय हो चुका था। पतिदेव स्वर्ग सिधार गए थे, बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। बेटे तरुण यानी नौजवान हो होकर चल बसे थे। उनके पास कोई भी नहीं था, न पति था न बेटा था। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। एक भतीजा था जिसको उन्होंने गोद लिया था। उस भतीजे के नाम उन्होंने सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कूली डिपो के दलालों के लिखाए हुए सब्ज बाग थे। अब देखो क्या था, वह धोखेधड़ी से जो कार्य कर लेते हैं लोग, उन्हीं के तरह दलाल यानी एक तरह के एजेंट जो हम लोग बोलते हैं ना, जो घर बिकवाते हैं, करते हैं, झूठ बोल बोलकर अपना सामान अपना काम निकलवाते हैं, ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं। तो उन्हीं की बातों की तरह, जिनकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपनी स्वार्थ दिखती है, तो उन्हीं की तरह उस भतीजे के बात भी बेअर्थ थे। अच्छी अच्छी बातें करके तुम्हें ये करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, सारी संपत्ति लिखवा लिया। लिखवाने के बाद अब क्या किया उन्होंने, यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन में कठिनाई से मिलता था। 150-200 उस समय के जमाने में बहुत पैसा होता था, जब एक आना दो आना चलता था। तो उस संपत्ति का पूरा सालाना ब्याज कितना आता था, 150-200 रुपए आते थे, लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। सारी संपत्ति उन्हीं की थी और उनको ही पेट भर भोजन ना के बराबर मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम के अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं है। अब देखो इसमें उनके भतीजे बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा, दोनों में से कौन ऐसा था जिसको अपराधी कहा जाए, दोनों ही अपराधी थे, इसलिए यह सहज न था कि किसी एक को बोला जाए। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब कि उनके कोष पर कोई आंच ना आए, कोष यानी धन और संपत्ति का कोष, खजाना जहां इंसान पैसे रुपए रखता था, उस पर अगर कोई आंच आए, उससे ज्यादा अगर जितना वो समझ कर रखते थे उससे कहीं ज्यादा खर्च होता था, तो उनको क्या होती थी, चिढ़ होती थी। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी, अतएव बूढ़ी काकी को काफी तीव्रता उसकी तीव्रता उतनी न खलती जितनी बुद्धि राम की भल मनसाहत। देखो बहू तो दूसरे के घर से आती है, उससे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता, वह तो आती है और दूसरे घर से आकर भी अपने घर को अपना बनाती है, समझती है, लेकिन जो माँ होती है उसको अपने बच्चे से ज्यादा लगाव होता है, उसको अपने बेटे से, अपने खून के रिश्ते से ज्यादा लगाव। अब वो भतीजा ही था तो क्या हुआ, लेकिन था तो अपना, तो उसको रूपा पर, बूढ़ी काकी को रूपा पर कम गुस्सा आता था। क्यों? क्योंकि वो तो दूसरे के घर से आई थी, लेकिन अपने भतीजे के से बहुत तकलीफ होती थी कि वह पत्नी के अत्याचारों पर क्या रहता था, चुप हो जाता था, पत्नी के सामने चुप हो जाता था, और बूढ़ी काकी को वह सताती थी, पेट भर भोजन नहीं देती थी, वह चीज वो देखता रहता था और उसकी कोई प्रतिक्रिया होती नहीं थी। यह चीज बूढ़ी काकी को ज्यादा खल जाती थी, ज्यादा तकलीफ देती थी। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था, खेद होना यानी दुख होना। बुद्धिराम को कभी कभी दुख भी, इंसान क्या करता है,
कभी कभी बेबस होता है, तो वही चीज, लेकिन इतनी भी बेबसी होनी नहीं चाहिए। बुद्धिराम कभी कभी खेद दुख होता था उसे, लेकिन विचारते इस संपत्ति के कारण इस समय भला मानुष बन बैठा हूँ। उनको समझता भी था कि मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हीं की सारी संपत्ति, इन्हीं का सारा पैसा लिए बैठा हूँ और अच्छा भल मानुष मतलब भला मानुष कहला रहा हूँ। लड़कों के बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता को यह रंग देखते तो वह बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। लड़कों को क्या होता है, बूढ़ों से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, वो क्या करते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को ज्यादा सताते हैं। कभी गाँव में देखो या कहीं देखो तो वो लोग सताते हैं। तो वो क्या करते थे, जब वह बुद्धिराम को ये सब चीज देखते थे करते हुए, तो वो बूढ़ी काकी को और भी सताते थे। कोई चुटकी काटकर भाग जाता था, क्योंकि बूढ़ी काकी को आंख से दिखाई तो देता नहीं था। कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, बच्चे छोटे थे। काकी चीख मार कर रोती, अब वो क्या कर सकती थी, क्योंकि वो तो चलने फिरने लायक भी नहीं थी, हाथ पैर जवाब दे चुके थे। बच्चे चुटकी काटना यानी चिमटी लेना, तो बच्चे भी उनको सताया करते थे, जिससे उनको क्या करती थी, जोर जोर से चीख मारकर यानी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोती थी। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देती लगती तो रूपा जब वो क्या करती, बच्चों को गालियां देने लगती। जब बच्चे सताएंगे तो इंसान क्या करेगा, चिढ़कर चीखकर गाली ही देगा। हाथ पर चले तो इंसान दौड़ा के मार भी ले, और हाथ पर चलते इंसान को तो कोई छू भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। तो बूढ़ी काकी का क्या जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती थी, तब रूपा वहां पहुंचती थी। इस भय से कि काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। कृपाण यानी धारदार चाकू, कृपाण को कहते हैं, चाकू भी क्या कटार बोलते हैं उसको। तो जिह्वा कटार मतलब जीव का प्रयोग, बूढ़े बुजुर्गों की हाय ना लगे, वो श्राप ना दे, ऐसा भी रूपा डरती रहती थी। इसलिए दौड़कर आती थी कि बूढ़ी काकी कभी कभी गाली देती थी, इसलिए किसी को लग न जाए। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली से था। संपूर्ण परिवार, पूरा परिवार, बच्चे भी सताते थे, बच्चे भी परेशान करते थे, लेकिन अगर कोई उनसे प्रेम करता था, स्नेह करता था, तो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। वो क्या करती थी, अपने दोनों भाइयों को के भय से अपने हिस्से की मिठाई, चना चबैना बूढ़ी काकी के पास रखकर बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षाकार था। क्या करते थे बच्चे, इतने मस्तीखोर थे भाई और बहन कि क्या हो दोनों भाई कि उसका हर चीज छीन लेते थे। इसलिए वो बूढ़ी काकी के पास बैठ जाती थी और खाती थी, तो बूढ़ी काकी उनकी रक्षा करती थी। ऐसा प्राय गाँव में देखने को मिलता है, बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं तो हम क्या करते हैं, जिससे डरते हैं या करते हैं, कभी कभी माँ बाप भी मारने को दौड़ाते हैं तो हम अपने दादी दादा के पास जाकर पीछे छुप जाते हैं कि वो हमें बचा लेंगे, और प्रायः वो बचाते भी हैं। रात का समय था, अब देखो रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गाँव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। रात का समय था, बुद्धिराम के घर पे शहनाई बज रही थी। अब शहनाई क्यों बज रही थी ये सोचो, गांव के बच्चे क्या कर रहे थे, बहुत अच्छे से वहां के गाने का रसास्वादन मतलब गाने सुन रहे थे। जो शादी ब्याह कुछ भी गांव में फंक्शन होता है तो सबसे पहले गाने का प्रबंध कर दिया जाता है कि पता चले लोगों को कि हमारे घर पे कुछ प्रोग्राम है। जोर जोर से गाने बज रहे थे, गांव के बच्चे उसे क्या कर रहे थे, अनुभूति, रस की अनुभूति करना यानी आनंद की अनुभूति कर रहे थे सुन सुन के। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी में पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। अंग्रेजी में पढ़े हुए नवयुवक क्या कर रहे थे, उनको अच्छा, जो बहुत ज्यादा मतलब शहर में रह लेते हैं उनको गांव के रीति रिवाज या फिर गांव के जो बजे जोर जोर से बजते हुए आवाज, ये सब चीजें थोड़ा कम पसंद आती हैं। तो वही चीज वो उदासीन थे, उनको पसंद नहीं आ रहा था, वो बेचारे ऐसे उदास होकर बैठे हुए थे तो ये क्या हो रहा है। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी श्रेष्ठता के प्रतिकूल समझते थे। उनको ऐसा लगता है मैं कहाँ गंवारों की मंडली में आ गया, इतना अच्छा पढ़ा लिखा इंसान यहाँ, ये तो मुझे लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा उनको अलग ही फील होता है, तो वो प्रतिकूल, उनके अनुकूल नहीं था वह कार्य। तो वो बोल रहे थे छोड़ो जाने दो, अब हम लोग चुपचाप बैठते ही हैं, कोई जरूरत नहीं है इन गंवारों के बीच में बोलना। आज बुद्धिराम के लड़के
मुख राम का तिलक था। अब देखो बुधिराम के बेटे का तिलक था, इसलिए मेहमान आए थे, शहनाई बज रही थी, गाने बज रहे थे। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गाना गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे, एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। अब देखो तिलक शादी से पहले बेटे का तिलक चढ़ाया जाता था, वही था। तो ये सब चीजें गांव में उत्सव जब होते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो लोग आते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा प्रबंध भी करना पड़ता है खाने पीने का, वही सब हो रहा था। तो भट्टियों पर, पहले के जमाने की बात है, तो लोग पहले क्या होता था, ईंट के चूल्हे बनाते थे भट्टी जैसा, और उस पर कड़ाह चढ़ा चढ़ा के हलवाई लोग खाना बनाते। आज की तरफ सिस्टम नहीं था, तो सब जगह एक पकवान बन रहे थे, एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी यानी सब्जी भाजी, जो आप लोग बोलते हो, तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली थी। क्षुधावर्धक यानी जब हम कोई अपनी मन पसंद चीज घर में पकती है तो क्या करता है, उसकी खुशबू हमें बड़ी प्यारी लगती है। क्यों? क्योंकि आज हमारा पेट अच्छे से भर जाएगा, अपनी मनोकामना मतलब अपना अच्छी चीज अपने को पसंद होती है, वह डिश अगर पकने लगे घर में तो उसके खुशबू से क्या होता है, घर में तो खुशबू फैलती ही है, अपने मन अपने को जब मिलती है तो वो क्या होता है, क्षुधावर्धक, यानी मन में ऐसा ख्याल आता है कि आज तो पेट भर जाएगा, आज पेट भर के खाऊंगा या खाऊंगी। ये सारी चीजें क्या होती है, तब हमें चलो स्टार्ट करें। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार में की भांति बैठी हुई थी। स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन, जैसे स्वभाव से ही विशेषता क्या थी उनकी, अच्छा अच्छा खाना खाना, उनका स्वाद, उनके जीभ को स्वाद मिलता रहे, चटोरी हो गई थी वो। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। अब बूढ़ी काकी को एक कोठरी में बंद किया हुआ था, बैठी हुई थी, बूढ़ों से क्या लेना देना, जो किसी काम का नहीं था सबसे बड़ी बात। तो शोकमय मतलब वो बहुत दुखी थी, इस विचार में बैठी हुई थी, और स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी, जो कि उनके स्वभाव में शामिल था। अब इतनी अच्छी अच्छी खाने की जो खुशबू थी वह उनके अंदर से बेचैनी और बढ़ा रही थी। आह कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पूड़ियां, जब रोटी ही नहीं मिलती भाग्य में रोज पेट भर के, तो पूड़ियां कहाँ से मिलेंगी। यह सब चीज वो उन्हें परेशान कर रही थी और वो परेशान हो रही थी। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हूक से उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने भी फिर से मौन धारण कर लिया। अब देखो बहू के डर से वो फिर से चुप हो गई कि इतने मेहमान आए हैं, क्योंकि उनके रोने की विशेषता क्या थी, वो जोर जोर से चिल्ला के रोती थी, अगर चिल्ला चिल्ला के वो रोने लगती तो सारा क्या होता, उत्सव खराब हो जाता, इसलिए वो बिचारी डर के मारे फिर से चुप हो गई। लेकिन मन में क्या हो रहा था, एक हुक उठ रही थी, हुक उठना माने मतलब बहुत दर्द होना, तो वही चीज उनको दुख दे रहा था, तकलीफ दे रहा था। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। देखो फूल तो हम एक फूल घर में एक फूल लाओ और पूरे बगीचे में जाकर खड़े हो जाओ, दोनों एक अलग अलग विशेषता होती है ना, बगीचे में फूलों के जाके अगर आप खड़े हो जाओगे तो तरह तरह की खुशबू, तरह तरह के फूल मन को आनंदित करते हैं। और सिर्फ एक ही फूल घर में सूंघो,
तो यही चीज बूढ़ी काकी के कहने का तात्पर्य था, जो मैं इस कमरे में, इस कोठरी में बंद होके थोड़ी खुशबू आ रही है, तो मैं जब वहां जाऊंगी तो मुझे कितनी खुशबू आएगी। इसलिए वो क्या की, हाथ के बल धीरे धीरे सरकती हुई चली गई, कहां से चौखट से उतरी और कड़ाही के पास जहां पकवान बन रहे थे वहां पहुंच गई। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी, वो क्या हो रही थी, कार्यभार में एकदम बिजी थी, इसलिए वह उस पर ध्यान नहीं दे पाई। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने शहर बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती। शादी ब्याह का जो घर होता है वो ऐसा ही होता है, हजारों काम होते हैं और लोग, और वो अकेली थी, कहीं कहीं किसी किसी परिवार में ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा हाथ, तो ज्यादा कार्य फटाफट हो जाता है। लेकिन वो क्या कर रही थी, कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था, इसलिए वो बिचारी क्या हो गई थी, झुंझला जाती थी। लेकिन अब क्रोध प्रकट करे तो किसके सामने, क्योंकि कार्य तो उसी के घर का था, इसलिए उसे यह भी टाइम नहीं था कि वो किसी के सामने अपना गुस्सा दिखा सके। भय होता कहीं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चारों सामान चारों तरफ खुले पड़े हैं तो कहीं कोई चुरा कर उठा न ले जाए, तो उनको डर भी होता था कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने उबल पड़ी। और कभी कभी यह भी होता था, डर लगता था रूपा को कि अगर मैं गुस्सा करूंगी, मैं चिल्लाऊंगी तो आजू बाजू वाले लोग क्या कहेंगे, या कहने लगे कि देखो छोटा सा उत्सव मना रही है बेटे का तिलक, तो इतना उबल पड़ी, मतलब इतना क्रोध कर रही है, जब शादी ब्याह करेंगी तो क्या होगा। प्यास के स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूक जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। कभी प्यास लगती थी तो इतना भी समय नहीं था कि बिचारी क्या करे, पानी लेकर पी ले और पंखा झले, यानी हाथ में जो पंखा होता है ना छोटा छोटा, गाँव में देखो ज्यादातर देखने को मिलता है, पंखा लेकर 2 मिनट बैठकर आराम कर ले। अभी खुद का ही काम है तो खुद को टाइम तो रहता नहीं है। वह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीज की लूट मची। वह भी खटका लगा रहता था, मतलब डर लगा रहता था कि थोड़ा भी अगर क्या होता, सामने से आंख हट जाएगी तो लोगों की लूट मच जाएगी, लोग अपरंपार सामान लेकर क्या होंगे, फिर निकल जाएंगे, खा पी जाएंगे या फिर चुरा ले जाएंगे, तो क्या होगा। इसी अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास देखा तो जल गई। अब एक तो इतना कार्य कर रही थी, अंदर क्रोध था, झुंझलाई हुई थी, और इसी अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाही के पास बैठे हुए देख लिया। अब किसी को भी गुस्सा आएगा, क्रोध न रुक सका, वो क्रोध को रोक नहीं पाई। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाड़। भाड़ मतलब जानते हो, भाड़ यह वह चीज होती है जो कि आग, उसमें कुछ भी डालो जलकर राख होता चला जाता है, तो उसी को भाड़ बोलते हैं। तो वह अब चिल्लाने लगी क्योंकि उसको क्रोध निकालने का टाइम भी मिल गया। बूढ़ी काकी को दोनों हाथों से जोर जोर से झपटने लगी और बोलकर कि अरे बाप रे बाप, पेट है कि भाड़ है, कुछ भी दे दो, खाती चली जाती हो और उससे तुम्हारी भूख मिटती नहीं है। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, तब तक तुम रुक नहीं सकी। अभी तक न मेहमानों ने खाया है और ना ही भगवान को भोग लगाया है, और तुम आकर यहाँ छाती पर सवार हो गई, बैठ गई कि तुम्हें खाना जरूर से जरूर मिल जाए। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है, भस्म होना यानी जल जाना, खत्म हो जाना। इतना तो खाती हो लेकिन कहाँ चला जाता है, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खा लेंगे, खाने लगेंगे, तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, तुम्हारी पूजा भर पहले ही हो जाए। देखो इतनी बातें कह गई रूपा, अब इस बात से बूढ़ी काकी को तकलीफ होना ही था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बड़े, अपने बुजुर्गों, अपने बूढ़ों से यह बात कहना चाहिए क्या,
तुम बहू हो, तुम तो प्यार से समझाकर भी लेकर जा सकती थी कि अम्मा अभी तक खाना पूरा बना नहीं है, मेहमान खाए नहीं है, अगर आपको आप थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी आपको खाना पहुंचाए दिए। एक इंसान कितना खाएगा, सबके लिए इतना कुछ बन रहा था, इतना बड़ा उत्सव था, थोड़ा खाना क्योंकि उनका तो स्वभाव था, वो चीजें देखती थी और क्या करती थी, ललायित हो जाती थी, उनके जीभ से पानी टपकने लगता था। सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता था, होता है, तो इसलिए उनको क्या करना चाहिए था, यह भी तो तुम कर सकती थी कि थोड़ा खाना उनको ले जाकर परोस कर चली आती, तो शायद वो कोठरी में खाकर ही अपनी आप को तृप्त समझ लेती और चुपचाप वहीं सो जाती। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता। स्वभाव से इंसान जिससे परिचित होता है उसके उस आवश्यकता की पूर्ति कर देता है। क्यों कर देता है? इसलिए कर देता है कि कहीं मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन वह उल्टा उसको जोर जोर से चिल्लाई, इतनी गालियां देने के बाद पेट में आग लगी। अरे ऐसे बूढ़े इंसान को इतना बात बोलना अच्छा नहीं होता। अब बूढ़ी काकी क्या की, बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी, पछताने भी लगी कि ना वहां गई होती, ना इतना बात सुनती और ना रूपा मुझे इतना क्रोध करके सुनाती। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। उन्हें यह भी लगा कि अरे मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, उनके घर पे अपने ही घर पे काम है, मैं चली गई, ऐसा करना नहीं चाहिए था, रूपा तो सच ही बोल रही थी। अब उनको पछतावा होने लगा। देखो अगर हम अपने नजरिए से देखें तो इसमें गलती दोनों की थी, बूढ़ी काकी को जाना नहीं चाहिए था, रूपा को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था दोनों। लेकिन बूढ़ी काकी क्या कर रही थी, वह अपने पर पछतावा कर रही थी, अपने इस कार्य पर, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान भोजन लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे, जब तक मेहमान नहीं खाते तब तक घर वाले कैसे खाएंगे भाई, यह भी तो सच है। बूढ़ी काकी को पश्चाताप होने लगा, लेकिन वह स्वभाव की वजह से अपने आप को रोक नहीं पाई थी। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया, सबके सामने पानी उतरना मतलब सबके सामने पूरे बिरादरी में मेरी बेइज्जती कर दी रूपा ने, अब तो जब तक कोई बुलाने ना आएगा नहीं जाऊंगी। ऐसा बूढ़ी काकी ने क्या किया, सुना समझा और चुपचाप कोठरी में बैठ गई। अपना बिचारी यह मन में ले ली बात कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए था, अब जब तक कोई बुलाएगा नहीं नहीं जाऊंगी, नहीं तो क्या होगा, बड़ी बेइज्जती होगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। अपने मन में यह सोच कर वह क्या की, किसी ऐसा लगी कोई जब बुलाएगा तो मैं क्या करूंगी, तब मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं।